26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। लोग है जो खाली अनाप शनाप बोलता रहता है, बापू के नाम पर अपना काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। युक्त बातें कहनी है बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी के ऐलान की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बन रही है और उस पार्टी का नाम रखा गया है जनसुराज पार्टी। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर के इस ऐलान के बाद बिहार में राजनीतिक भूचाल मचा हुआ है। विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष के तमाम नेता प्रशांत किशोर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जहां प्रशांत किशोर ने यह ऐलान किया और शराबबंदी वाले तमाम चीजों पर जिस तरीके से प्रशांत किशोर की बयान निकलकर सामने आ रही है, उस पर जदयू के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल रखी है। तब जदयू के तमाम नेताओं का कहना है कि बिहार में अगर फिर से शराब शुरू कर दी गई और शराबबंदी को खत्म कर दिया गया तो बिहार में एक बार फिर से तबाही आ सकती है। तो वहीं अब प्रशांत किशोर पर पहली बार नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। दरअसल बीते दिनों जदयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में नीतीश कुमार ने जहां जदयू के तमाम कार्यकर्ताओं को, जहां तमाम नेताओं को अलग अलग निर्देश दिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को लेकर के भी नीतीश कुमार ने पहली बार कुछ बोला है। और उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने कहा है प्रशांत किशोर को कि वो खाली अनाप शनाप बोलता है और बापू के नाम पर कुछ भी बकवास करता रहता है। क्या कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं आइए आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर इशारों में जमकर निशाना साधा है। उसने कहा है कि कुछ लोग बापू का चेहरा दिखाकर शराबबंदी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। बता दें कि पीके ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि जनसुराज पार्टी की सरकार के 1 घंटे के भीतर बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को जनता दल यूनाइटेड के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना कहा कि कुछ लोग शराबबंदी पर अनाप शनाप बोल रहे हैं। राज्य में 2016 से शराबबंदी लागू है, इसके बाद बिहार में 90% लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, ये अच्छी बात है। बता दें कि कभी नीतीश कुमार की पार्टी में नंबर 2 के पद पर रहे प्रशांत किशोर ने 4 दिन पहले ही बिहार में नए राजनीतिक दल का गठन किया है। पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में 2 अक्टूबर को उन्होंने जनसुराज पार्टी बनाई। पीके बीते 2 सालों से राज्य भर में पदयात्रा निकाल रहे थे। वे ऐलान कर चुके थे कि उनकी जनसुराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। और इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने कई बड़े बड़े दावे किए। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 40 सीट पर महिलाओं को लड़ाएगी और 40 सीट पर मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा। जिसके बाद एक तरफ तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव टेंशन में आ गए तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी टेंशन में आ चुके हैं। तो जहां एक तरफ प्रशांत किशोर के तमाम अलग अलग ऐलानों के वजह से नीतीश कुमार टेंशन में है, तो अब वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कह दिया कि ये लोग बापू के नाम पर कुछ भी बोलते हैं, अनाप शनाप कहते हैं। बिहार में शराबबंदी के वजह से काफी सियासी राजनीति भी होती रहती है। एक तरफ जीतन राम मांझी भी लगातार ये ऐलान कर चुके हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए, तो अब प्रशांत किशोर ने भी कह दिया कि जब जनसुराज पार्टी की सरकार अगर बिहार में बन जाती है तो 1 घंटे के भीतर हम लोग शराबबंदी कानून को खत्म कर देंगे। अब इस ऐलान के बाद देखिए किस तरीके से बिहार की राजनीति में भूचाल मच गया है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।